बिहार में बाढ़ का कहर जारी है। 12 जिले बाढ़ की चपेट में आ गए। 25 लाख लोग इस बाढ़ से प्रभावित है। वहीं समस्तीपुर जिले में भी बाढ़ ने दस्तक दे दी है। कल्याणपुर प्रखंड के कई पंचायत में बागमती नदी का पानी घुस गया है, जिसके कारण स्थानीय लोग ऊंचे स्थान पर शरण ले रहे हैं। जिले के कल्याणपुर प्रखंड में बागमती नदी गुजरती है। इस नदी के जलस्तर में वृद्धि के कारण आसपास के पंचायत में पानी फैल गया। कई गांवों का सड़क पानी में डूबने के कारण आवागमन बाधित हो गया है। लोग केले के थम का नाव बनाकर किसी तरह से सुरक्षित स्थान की ओर जा रहे हैं। बाढ़ के दस्तक से पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। वहीं प्रशासनिक स्तर पर राहत और बचाव के लिए किसी तरह की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। बाढ़ के खतरे से भय का माहौल है। स्थानीय ग्रामीणों ने बताया है कि बाढ़ के कारण लोगों में डर है। लोग पलायन करने लगे हैं किसी सुरक्षित स्थान पर या ऊंचे बांध पर शरण। बताइए कि आप लोग इस बागमती नदी से कितने प्रभावित हैं? बहुत ज्यादा हम प्रभावित हैं। इतना तेजी से पानी बढ़ रहा है, हाँ, जो हम लोग को जान माल का बहुत खतरा है। रहने का व्यवस्था नहीं है, हाँ, घर द्वार सब जैसे जड़ पानी से भर जाएगा। न तिरपाल का व्यवस्था है, न प्रशासन की तरफ से कोई व्यवस्था है, न यहाँ का CO जैसे बर्दवाली है, हाँ, कुछ व्यवस्था नहीं कर पा रहा है। नाव का अति आवश्यकता था, वो नहीं मिल रहा है हम लोगों को। हाँ, हम लोग गरीब माल वैसी लेके बांध पर जैसे पहुँचे हुए हैं। कोई व्यवस्था, कहीं बारिश हो गया, कोई तरह का साधन नहीं है जो यहाँ पर हम रह पाएंगे। क्या मांग करना चाहेंगे आप? हमको चाहिए तिरपाल चाहिए, अनाज चाहिए, उसके बाद जैसे रहने के लिए व्यवस्था चाहिए, माल जाल का चारा का व्यवस्था चाहिए। क्या नाम है चाचा आपका? राजेंद्र प्रसाद साह उर्फ नेताजी। क्या समस्या है आपकी? सर, हमारे गांव में बागमती जो नदी है उसमें पानी इतना रफ्तार से बढ़ रहा है जो लोगों को जीना मुश्किल हो गया है और दहशत फैल रहा है। सब भयभीत हो गया है। और सीतामढ़ी में जो बांध टूटा है उसके कारण पानी का जल जलाव जो है सो बहुत ज़्यादा ही काफ़ी बढ़ते जा रहा है। आधा घंटा पर पल पल में पानी बढ़ते जा रहा है और रात भर में लगता है पूरे गाँव जो है डूब जाएगा। पूरा अनाज पानी कैसे लेके जाएगा, ये सब यहाँ का लोगों जो है सो परेशान है। और माल मवेशी भी कैसे जाएगा नहीं जाएगा, ये सब लेके जो है सब परेशान है। और बच्चे का स्कूल कैसे जाएगा नहीं जाएगा, ये भी परेशान है। सबसे लोग खाना पीना कैसे होगा, ये भी प्रशासन की तरफ से अभी तक कोई व्यवस्था नहीं किया गया है, कोई मायना नहीं किया गया है। हर गाँव में जितने भी पानी के अंदर में रहने वाले लोग हैं सब में दहशत फैला हुआ है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम SK गुप्ता सुजीत कुमार साह। किस पंचायत में रहने वाले हैं? हसन पश्चिमी सर, मुरवा राठौर। हाँ मुखिया जी, तो बताइए आपके इलाके में बाढ़ का पानी तेजी से बढ़ रहा है, उसके लिए क्या क्या किए हैं? हम लोग तो अभी बाढ़ से पूर्व सूची बना रहे हैं प्रखंड अंचल कार्यालय में देने के लिए। सूची बना लिए हैं, बल्कि आज अनुसरण समिति की बैठक थी, आज के डेट में रखे हुए थे। 2546 आदमी का सूची अभी तक बन चुका है और 100-200 का माने 2900 के लगभग पहुंचने की संभावना है। और मेंबर लोग बोले हैं छूट गया है, नाव है 4-5 को, उसको मरम्मती करवा रहे हैं। और लेकिन बाढ़ का पानी सर रात से अचानक बहुत तेजी में बढ़ रहा है। रात में भी 2 फीट बढ़ रहा है और दिन भर में 2 फीट बढ़ करके कभी भी हमारे गाँव में प्रवेश कर सकता है। वार्ड नंबर 10 में मासूम नगर एवं वार्ड नंबर 13 में महादलित, 9 में महादलित, 4 में भी महादलित और 2 नंबर में भी महादलित लोगों के बस्ती में पानी 13 और 10 में तो घुस चुका है, 9-4 में भी रात में घुस है। बड़ा बुरा स्थिति है, पानी से लोग दहशत में है। क्योंकि आपको आगे बगल के पंचायत में मोरबारा 8-9 नंबर में जैसे भीषण कटाव हुआ है और भसा है घर, इसीलिए लोग दहशत में है। ये जानकारी ऊपर के पदाधिकारी को है क्या? हाँ, CO साहब आए थे, उनको जानकारी दिया गया था। अच्छा, तो उन्होंने क्या किया? कहे जब देखते हैं, गए हैं अभी, कहाँ कुछ किया है अभी तक? अभी तक कुछ नहीं किया है। क्या नाम है आपका? रंजन चौधरी। पंचायत? तीरा पंचायत। समस्तीपुर से धर्म विजय गुप्ता के साथ आशीष कुमार की रिपोर्ट।